Fashion gallery. Amsterdam Airport, the second part of the airport was the airport. So I'm going to pass. B10 मुझे जाना है तो B10 जाने के लिए काफ़ी क्राउड है यहाँ पर मुझे नहीं पता कितना क्राउड होगा क्योंकि पेरिस से मैं गया हूँ एम्स्टर्डम से मैं B2 तो मुझे जाना है देखिए कितना क्राउड है आज इतना क्राउड शो रखा B9 B10 के लिए मुझे घर जाना तो मेरे पीछे देखिए एम्स्टर्डम एयरपोर्ट कितना क्राउड है और मुझे लगा कि यहाँ पे इतना क्राउड नहीं होता होगा तो यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही क्राउड है B10 मुझे जाना तो D10 जाने के लिए यहाँ से तो मिल जाएगा तो अभी मैं वैसे चलता D10 जाने के लिए मैं D10 जा रहा हूँ अभी तो कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए थोड़ा दिक्कत होता है तो क्योंकि मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कनेक्टिंग फ्लाइट थक जाता हूँ तो थोड़ा रेस्ट मिल जाता है थोड़ा घूमने को भी मिल जाता है नई जगह को जानने का मौका तो एम्स्टर्डम का एक्सपीरियंस मेरा ठीक लगा है लेकिन क्राउड बहुत ज़्यादा है मैंने तो नहीं सोचा था कि क्राउड इतना ज़्यादा होगा B6 गेट आ गया D10 पर जाना है मुझे तो D10 के लिए लग जाएगा Maybe due to the festival. These are rush hours. D10 के लिए हमें स्विच आना है स्विच आके बैठ में जाके D10 आ जाएगा और ये स्पार्क्स प्लस ट्रैवल एक्स करेंसी एक्सचेंज D10 पे मुझे जाना है D10 यू टू टेक ऑन द राइट साइड हम लोग D10 पे आ गए अब ये पूरा हमने बनाया वो मसाज के लिए बनाया हुआ है तो मसाज करा सकते हो आप के सामने और मेरा D10 आ गया ऐसे हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है परंतु 1:25 तो अभी काफ़ी टाइम है तो हम यहाँ पे रिलैक्स करते हैं थोड़ा और देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं ये पूरे प्लांट्स आजकल एयरपोर्ट्स पे आपको और जगह मिल जाएंगे रियल प्लांट्स होते हैं वॉल पे लगाते हैं और कि टॉयलेट से कहा टॉयलेट चलते हैं और D10 मेरा आ गया वहाँ से मेरे ख्याल तो कोशिश करूँगा कि मुझे कोई मसाज वाला मिल जाए सीट ताकि मैं आराम कर सकूँ ये क्लोज है तो आगे देखते हैं और चार्जिंग स्पॉट्स भी यहाँ पे बने हुए हैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको यूरोपियन चार्जर यहाँ पे चाहिए होगा कुछ चार्जिंग स्पॉट्स बने हैं USB चार्जर भी है तो सर ट्रांसफर सर्विस भी एयरपोर्ट के बराबर रोड है बाहर का भी देख लेते हैं क्या नज़ारा है तो जल्दी नहीं मैंने सोचा कि ना एक दो ब्लॉग्स ही बना लूँ सुबह का टाइम है पास कैमरा इतना अच्छा नहीं है
इसमें जैसे मसाज के लिए बन रही है, पूरा मसाज के लिए बना हुआ बटन है। ये KLM है पूरा, क्योंकि एम्स्टर्डम है तो KLM की सर्विसेज ज़्यादा हैं यहाँ पे। KLM इनकी अपनी लो अपनी कंट्री की फ़्लाइट है, तो ये देखे लोग लगे हुए ऐसा दिखता है एम्स्टर्डम बाहर से। कभी यहाँ पे भी घूमने का मौका मिलेगा जाएंगे। Passagiers in zone 2 wordt verzocht nu in te stappen door de Sky Priority doorgaven. De overige passagiers wordt vriendelijk verzocht. Zo, abi, we hebben Sara en Sara bekeken. En de achtergrond die gate, chalte chalte zijn we die 2016. Dus moet je D10 bij gaan. Dus dan moet je D10 ka target karna. En ja, ke. Fir flight ka mujhe chalne ke liye chalte hain. Toh sabse pehle aap destination pe pahunche jab bhi airport pe hote hain. Aur रश के चक्कर में इधर उधर ना घूमें, सबसे पहले अपने गेट पे जाएं, देखें, और जब टाइम मिलता है वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करें तो थोड़ा एक्सप्लोर करें। पहले आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट आपका गेट किधर है, जहाँ से आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है या फिर जहाँ से आपकी फ़्लाइट है। तो D10 पे मैंने पहले देख लिया था, मैं D10 पे आ गया था, उसके बाद ही मैं फिर एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मुझे वॉशरूम जाना है, फिर शायद मैं मेडिटेशन सेंटर भी जाऊँ। मेडिटेशन सेंटर यूनिवर्सल एक वर्ल्ड बना दिया, आप अपनी कोई भी प्रेयर कर सकते हो, आई थिंक सो, ऐसा नहीं है कि कुछ। तो ट्राई करता हूँ अगर टाइम मिला तो, अदरवाइज माई फर्स्ट टारगेट इज वॉशरूम। तो चलते हैं, देखते हैं लोग मसाज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ये थोड़ा सा लंबा ब्लॉग हो गया। तो यहाँ पे हाँ लोग बहुत ही रश है, बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं, रश बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे सब मुझे नहीं पता था यार इतना भीड़ होती है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम जाऊँगा पहले। इधर भी था